हे गाइस, स्वागत है आपका गेम टॉक्स में। आज हम रिव्यू करेंगे लिनोवो आइडियापैड 320S, जो कि एक बजट लैपटॉप है स्टूडेंट के लिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। इस मॉडल के लिए दो वेरिएंट आते हैं, एक 4GB और एक 8GB। ये 8GB वेरिएंट है। इसके प्रोसेसर है जो i3-7100 है, जो एक क्लॉक्ड है 2.4GHz में, जो कि एक डुअल कोर प्रोसेसर है और इसमें हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड है। डिस्प्ले की यहाँ बात कर ले तो ये 14 इंच फुल HD डिस्प्ले है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कीबोर्ड 104 कीज तो नहीं है, बट एक बेसिक कीबोर्ड है जो नोटबुक्स में आता है। यहाँ पे टच पैड है जो कि बहुत रिस्पॉन्सिव है और मल्टी टच को सपोर्ट कर। ये लैपटॉप एक बेसिक स्टूडेंट लैपटॉप है और ये मैकबुक जैसे लैपटॉप्स को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसमें 7th generation i3 प्रोसेसर है और ये बहुत ही फास्ट है, क्योंकि इनमें 8GB DDR4 रैम है। चलिए इसे हम लोग बूटअप कर लेते हैं, देखते हैं कितनी मिनट्स में ये बूटअप हो जाता है। यहाँ पर हमने इसे ऑन कर दिया है और ये स्टार्ट हो गया है, और देखते ही देखते हमारा ये बूटअप हो गया कि बहुत जल्दी हो गया है। बूटअप बहुत फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन इसे बहुत खास बनाते हैं। ये लैपटॉप मैंने रिसेंटली परचेज किया है, प्राइस इसकी थी 41,000, जो कि एक बजट लैपटॉप की कैटेगरीज में आता है। ये यहाँ पे फुल्ली बूटअप हो चुका है, आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो, जो कि एक फुल HD स्क्रीन है, IPS LED स्क्रीन है। इसमें एंटी ग्लेयर की प्रोटेक्शन मिलती है। हम चलते हैं सिस्टम के सेटिंग में, हम यहाँ पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो कि i3 प्रोसेसर है, 7th generation है, डुअल कोर विथ 8 GB ऑफ रैम एंड 1 TB ऑफ स्टोरेज। और आप देख सकते हैं कि इसे 16 GB तक अपग्रेड करा जा सकता है। इसमें विंडो 10 का होम वर्जन है, जो कि प्री इंस्टॉल्ड लिया था हमने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशो है। बैटरी की बात कर ले तो कंपनी कहती है कि इस पर 8 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है। और आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन, टच पैड्स और कीबोर्ड यहाँ पे। आइए हम इसकी डिस्प्ले क्वालिटीज़ देखते हैं। यहाँ पे एक फुल HD वीडियो चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्क्रीन एंटी ग्लेयर होने के कारण बहुत कम शाइन करती है लाइट में। अफसोस, इस लैपटॉप की मैं अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाया, जो कि मैंने इसे परचेज़ किया था तो मैंने इसे दुकान में ही खोला था। इसकी प्राइस की बात कर ले तो ये हमें 41,000 का पड़ा। इसके साथ एक कीबोर्ड प्रोटेक्टर भी है, क्लीनिंग टूल भी है, एक बैकपैक भी है, एक वायरलेस LED लाइट भी दी हुई है और एक हेडफोन दिया है, जो कि 41,000 में ही इंक्लूड है। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो इसमें i3 प्रोसेसर जो 7th generation है, हाइपर थ्रेडिंग होने के कारण बहुत ही फास्ट है और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ इससे। आगे मैं इसकी सीरीज़ लाऊंगा, जिसमें मैं इसमें इसकी बेंचमार्क करूंगा, इसमें गेम्स चला के दिखाऊंगा, जैसे GTA 5 जैसी इंटेंस गेम। ये लैपटॉप मैकबुक एयर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, बहुत अच्छे स्पेक्स है इसके। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले आपको ये पसंद आया हो। कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।